हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोनी चहल। तो आइए आज मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताती हूँ कि आज बताऊँगी कि आगे वीडियो में क्या होगा। तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। मेरे साथ बने रहिए और जो चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट भी करना। तो चलिए आपको पता चलेगा कि अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ देखने पर आपको क्या पता चलता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड में जब मेरी फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस था कि जब मेरे को अब दो बेटियाँ हैं। पहले पहले मेरी जो बेटी है वो 2.5 साल की है और जो अब है वो 5 महीने की हुई है, 4 महीने की, 5वें महीने में लगी हुई है। पहली बेटी हुई तो मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, जो मैंने 8th महीने में करवाया था, तो हार्ट बीट थी 153, जो जबकि बोल देते हैं कि 150 से ऊपर होने पर तो लड़की ही होगी, लेकिन जब और 150 से कम होने पर लड़का। तो अब दूसरी लड़की हुई तो उस टाइम मेरी 133 हार्ट बीट थी 8th महीने में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। तो 133 हार्ट बीट पर तो लड़का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे को लड़की हुई है। तो इस भरोसे पर आप मत रहिए कि हार्ट बीट कम होने पर तो लड़का होगा और ज़्यादा होने पर लड़की होगी। ये सिर्फ वहम होता है सबका, और ऐसे भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। और सिर्फ भगवान पे भरोसा रखिए, और जो पेट में, पेट के अंदर होता है उस चीज़ का किसी को पता नहीं लगता और क्या होगा। ये सिर्फ भरोसा रखिए। और लड़कियां कहाँ जाएंगी भाई, ये बताइए लड़कियां कहाँ जाएंगी। लड़कियां तो लड़कों से भी शायद आज आगे पहुंच चुकी हैं मेरे हिसाब से। तो ठीक है, ऐसे वहम में मत रहिए कि कम हार्ट बीट होगी तो लड़का होगा, ज़्यादा होगी तो लड़की। धन्यवाद, एक नई वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। और जो चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कृपया करके, प्लीज़।